गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग मेहनत कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, महीना चल रहा है मार्च का, साल चल रहा है 2020 का और वक्त चल रहा है कोरोना का। तो मैं बोल रहा हूं ना यार, कोरोना से तुम डरो ना, घर पे जो तुम बैठे हो तो पढ़ाई तुम करो ना, नहीं कुछ समझ आए तो मुझसे संपर्क करो ना, जो बात अपनी है प्रॉब्लम बताओ ना, सारी प्रॉब्लम का समाधान मुझसे पाओ ना। तो बस स्टूडेंट्स, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि मैं आप लोगों को क्लासरूम में बिठाकर डायरेक्टली नहीं हूं पढ़ा पा रहा और बहुत सारे बच्चे इस पूरे देश में अपने टीचरों के पास नहीं है जा पा रहे, उनके टीचर्स हैं उनके पास नहीं आ पा रहे, और यही है वजह कि मैं आपको आज इस रिकॉर्डेड लेक्चर के जरिए टॉपिक कंटिन्यूटी में हूं पढ़ा रहा। तो सुनना चाहोगे कि कौन सा टॉपिक है आज का? ये वीडियो लेक्चर स्पेसिफिकली बना है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के इससे पहले मैं 2018 और 2019 में दो वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। हाँ, थोड़ा सा लंबा समय लग गया क्योंकि वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अब मौका भी है और वक्त भी है, तो इसलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर कर रहा हूं। काफी समय लग गया लेकिन अब नहीं लगेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट वन वीडियो लेक्चर देखा हो तो इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट वन वीडियो लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू नो व्हेन यू स्टडी द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ते समय या इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते समय आपको क्या पता होना चाहिए, वो हमने सब कुछ पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पार्ट वन में। सेकेंड वीडियो लेक्चर जो था, दैट वॉज द वीडियो लेक्चर ऑफ ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, हमने जाना था कि व्हाट इज ओम्स लॉ एंड कैसे रेजिस्टेंस नाम की एक प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर की एक विशेष प्रॉपर्टी है जिसके तहत उसमें बहने वाले करंट को एक रुकावट मिलती है। उसके बाद अगर आपको याद हो, जिन बच्चों ने मेरे पहले दो वीडियो लेक्चर देखे हैं वही स्टूडेंट्स ये तीसरा वीडियो लेक्चर देखे। अगर आप में से कोई क्लास 10th का स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर है देख रहा पहली बार, तो मेरी है गुजारिश, चाहे आ जाए तूफान या हो जाए बारिश, एक कर रहा हूं आपसे प्यारी सी मैं सिफारिश कि देख लो पहले पार्ट वन और पार्ट टू, फिर आएगी इसकी बारी, तुम जीत जाओगे इलेक्ट्रिसिटी की पारी। तो थर्ड वीडियो लेक्चर इज कंप्लीटली न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर। मैं अपने साथ किताब लेके बैठा हूं जो कि साइंस की किताब है, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लेके बैठा हूं और इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको तो पता नहीं है इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस बोलता रहूंगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बच्चों, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को आने से पहले आने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो एक बार सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेता हूं। ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आई रिपीट माय सेंटेंस, ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आई रिपीट माय सेंटेंस, ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आई रिपीट माय सेंटेंस, ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट यू मस्ट नो। यानी वो सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये फॉर्मूलाज मैंने सेकेंड वीडियो लेक्चर के अंत में भी रिवाइज कराए हैं और यही फॉर्मूलाज मैं तीसरे वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में भी रिवाइज करा रहा हूं, ताकि आपको पता चलता रहे, ताकि आपको समझ आता रहे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी में आई का मतलब होता है करंट, क्यू का मतलब होता है चार्ज, टी का मतलब होता है टाइम। क्यू यानी कूलम, क्यू की यूनिट होती है कूलम, टी यानी टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और आई यानी एम्पेयर। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि 1 एम्पेयर का करंट आता है तब जब 1 कूलम का चार्ज बहता है 1 सेकेंड में। इसमें जो ये चार्ज है क्यू, वो उसका फॉर्मूला होता है Q is equal to any, जहां पे Q का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही आपने सुना, Q का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, N का मतलब होता है बच्चों नंबर डेंसिटी, N का मतलब होता है बच्चों नंबर डेंसिटी, और E का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये सारी बातें मैं समझा चुका हूं पहले वीडियो लेक्चर और दूसरे वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर है, जिसको करने से पहले बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, तीसरा फॉर्मूला होता है V is equal to W by Q, जहां पे V होता है वोल्टेज, W होता है वर्क डन, Q होता है चार्ज। V यानी वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, W यानी वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स, और Q यानी चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ये आप अच्छी तरह जानते हो।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर का, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू I into R। आप जानते हो क्या कि V मतलब वोल्टेज, आप जानते हो क्या I मतलब करंट, आप जानते हो R, R मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स, उसका सिंबल होता है ये। बातें समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। देन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, अपनी कॉपी पेन अगर आप खोल के हो बैठे तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इनटू एल बाय ए, जहां पे आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, एल का मतलब होता है लेंथ, और ए का मतलब होता है एरिया। अगर आपने इन फॉर्मूलास को नोट डाउन कर लिया है तो अब आप मेरे द्वारा डिक्टेट कराए जाने वाले न्यूमेरिकल्स को नोट डाउन करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूं, बोर्ड पे लिखे इन फॉर्मूलास को नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड पे लिखे या बोर्ड पे दिए इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब सवाल आता है सर इन फॉर्मूलास पे हम न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला यहां पे यूनिट लिखना भूल गया हूं तो लिख देता हूं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर का स्क्वायर, और रो यानी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। कैसे आई ओम मीटर अभी बताता हूं, ये देखो R is equal to rho L by A, तो therefore rho is equal to R into A by L, तो rho is equal to R तेरी यूनिट ओम को लगाया, A तेरी यूनिट मीटर स्क्वायर को बिठाया, नीचे हमने मीटर को लगा के इससे कटाया, बदले में हमने ओम मीटर पाया। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट आया? चलिए बिना किसी विलंब के, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, क्योंकि ये लेक्चर पूरी तरह से न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही, लेक्चर नंबर 4 जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा उसमें आपको मैं नया टॉपिक सिखाऊंगा, तब तक ये लेक्चर आपके लिए बना के आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आइए शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक बार डिक्टेट कर लेता हूं, अगर सुन पाओ तो अच्छी बात है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फाउंड टू बी 1.50 ओम। कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इन SI यूनिट्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, क्या गिवन है? लेंथ ऑफ अ वायर 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस जो गिवन है वो गिवन है 1.50 ओम। क्वेश्चन ने कहा है पता लगाएं, क्वेश्चन ने कहा है पता लगाएं टू फाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लास 10th के बच्चों को बता दूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं, वीडियो लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूं, यानी क्वेश्चन रो मांग रहा है। आओ बच्चों बात करें सॉल्यूशन की, क्या कह रहे हो खुद से कर लोगे, फॉर्मूला पता है, वेरी गुड। तो वीडियो को करो पॉज, पहले खुद से करो अटेम्प्ट, जो नहीं आए समझ वीडियो को करो प्ले, फिर देखो मैंने कैसे है किया अटेम्प्ट। तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं, और आपके लिए ये जरूरी है समझना कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं, फॉर्मूला आपके सामने है। देखिए हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं क्या जानते हो कि R is equal to rho L by A होता है। अगर R is equal to rho L by A होता है तो R तेरी वैल्यू 1.5 ओम, रो तेरे बारे में है नहीं पता, लेंथ तो 80 है सेंटीमीटर, एरिया तो है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये SI यूनिट होना चाहिए, ये भी SI यूनिट होना चाहिए, तो 1.50 into 0.025 into 10 का पावर -4, -4 क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लेकर आ गए, डिवाइड बाय 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -2, -2 क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में लेकर आ गए, इज इक्वल टू रो। देख लो, घूर लो, मन में कोई सवाल मचा दो, आधा पूरा बवाल।
150 इधर है मल्टीप्लाइड बाय 25 इधर है मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस टू ऊपर चला गया तो माइनस फोर और प्लस टू डिवाइड बाय 80 80 को मल्टीप्लाई किया इसके दो जीरो से एक जीरो दो जीरो फिर मैंने यहाँ पे एक जीरो दो जीरो तीन जीरो एक जीरो दो जीरो तीन जीरो यार छोटे छोटे बच्चों की तरह करता हूँ क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप तभी समझ आएगा इज इक्वल टू क्या चल रहा है रो चल रहा है तो रो इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाय 25 150 मल्टीप्लाई 25 इनटू 10 का पावर माइनस टू ये माइनस चार है ये प्लस टू है इधर माइनस टू लगाया यहाँ पे आठ है आठ को बिठाया मल्टीप्लाइड बाय एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो पांच जीरो छह जीरो मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 6 हमने पाया बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट आया नहीं आया तो आगे देखो सर 2 4 8 2 7 14 2 75 तो रो इज इक्वल टू आ गया 75 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर माइनस 6 और डिवाइड बाय 4 तो रो कम सा होगा भी 75 को 25 से मुझे क्या पता भैया मैं तो कैलकुलेटर थोड़ी हूं मैं तो करके देखूंगा 5 5 25 5 7 35 37 2 5 10 2 7 14 15 5 को लगाया 7 को बिठाया हमने बदले में 1875 को पाया 10 का पावर माइनस 8 डिवाइड बाय 4 देख लो घूरो मन में को सवाल मचा दो आधा पूरा बवाल देख लो घूरो मन में को सवाल मचा दो आधा पूरा बवाल आपको समझ आना चाहिए ताकि क्वेश्चन में क्या है चल रहा क्वेश्चन में क्या चल रहा है आपको समझ आना चाहिए इस क्वेश्चन में एरिया गिवन था इतना लेंथ गिवन है 80 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से वो छुप गया इसलिए आपको नहीं दिखा होगा मैं यहां लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं है इस बात का ध्यान रखा जाएगा आइए यहां पे हम सॉल्व करते हैं 4 4 जा 16 27 6 जा 24 15 4 3 जा 12 30 7 जा 28 तो आंसर कम सॉल्व टू बी 4 6 3.7 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर देख लो घूर लो कोई है डाउट तो पूछ लो क्लास 10th के स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू उन्हें पता चलना चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उन्हें समझ आना चाहिए कि कैसे ये आंसर आया है आपकी स्क्रीन पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि व्हाट इज द आंसर 463.7 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर इज द आंसर समझ आया गुड बड़े आगे गुड आइए क्वेश्चन नंबर टू ये क्वेश्चन नंबर वन था जिसकी आपने करी प्रैक्टिस ये क्वेश्चन नंबर वन था जिसकी आपने करी प्रैक्टिस आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है कहता है अ चार्ज ऑफ 5000 कूलम सुन लो मैं बोल रहा हूं अ चार्ज ऑफ 5000 कूलम फ्लोस थ्रू अ सर्किट इन 2.5 आवर्स A charge of 5000 coulomb flows through a circuit in 2.5 hours. Calculate the magnitude of current flowing through the circuit. यानी क्या given है question में पहले सुन लीजिए. Question में given है charge. कितना charge given है? A charge of 5000 coulomb flows through a electric circuit in time period of 2.5 hours. क्वेश्चन ने कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पता लगाएं टू फाइंड हमें पता लगाना है क्या पता लगाना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सॉल्यूशन जरा देख लो जरा घूर लो मन में है कोई सवाल मचा दो पूरा बवाल क्या कह रहे हो कर लोगे अच्छी बात है वीडियो को पॉज करो कर सकते हो तो अच्छी बात है नहीं कर सकते तो मुझे देखो आओ जी सॉल्यूशन टीचर हम जानते हैं क्या कि I is equal to Q by T होता है I मुझे पता है लगाना Q तेरी यूनिट को यहाँ पे बिठाना टाइम तेरी जगह 2.5 आवर्स टाइम की यूनिट सेकेंड होनी चाहिए इसलिए 5000 कूलम को यहाँ पे बिठाया आवर्स को हमने सेकेंड से मल्टीप्लाई करके दिखाया और क्योंकि हम जानते हैं कि एक घंटे में होते हैं क्या 3600 सेकेंड तो आई इज इक्वल टू 5000 कूलम डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3600 इसके डेसिमल को हटाया नीचे 10 को बिठाया इसको यहां से लगाया ऊपर हमने 5000 नीचे हमने 25 इंटू 360 लगाया फिर से जीरो इसको भगाया 5 5 जा 500 जा 5 1 जा 5 20 जा 2 10 जा 2 18 जा 10 बटा 18 एम्पियर फ्रैक्शन में लाना चाहो आपकी चॉइस है नहीं लाना चाहो तो भी आपकी चॉइस है और काटना चाहो और काट लो 2 9 जा 2 5 जा तो हमारे पास आ गया 5/9 एम्पियर तो अगर आप इसे
और सॉल्व करोगे तो 50 आ जाएगा डेसिमल लगा के, और 50 आएगा तो 9 6 54 होता है और 9 5 45 होता है, तो 0.5 एम्पीयर इज द करेक्ट आंसर। क्लास 10th के स्टूडेंट एक बार देख लो, समझ लो, घूर लो, मन की तसल्ली पूरी कर लो, 0.5 एम्पीयर इज द आंसर। आपको समझ आना चाहिए कि क्या चल रहा है। आया समझ? अरे बोलो भाई, गुड गुड, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, दो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, प्रैक्टिस है चल रही, बातें हैं बढ़ रही, जिंदगी है आगे देखो और फिर देखो क्या है आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब बैटरी कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 2.5 × 10³³ कूलम इफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी इज 12.5 एम्पीयर। कैलकुलेट द टाइम इन विच द बैटरी विल गेट डिस्चार्ज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैटरी से 2.5 × 10³ कूलम का चार्ज आ सकता है। अगर बैटरी से बहने वाला करंट 12.5 एम्पीयर है तो ये बताइए कितनी देर में पूरा का पूरा बैटरी डिस्चार्ज जाएगी, मतलब पूरी बैटरी का करंट कितनी देर में खत्म हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्या हमें गिवन है। हमें साफ साफ गिवन है अब बैटरी सप्लाई द चार्ज, साफ साफ गिवन है अब बैटरी सप्लाइज अ चार्ज। कितना चार्ज? 2.5 × 10³ कूलम इफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। करंट कितना? 12.5 एम्पीयर। हमें क्वेश्चन ने कहा है पता लगाओ, क्या पता लगाओ? टाइम टेकन पता लगाओ, टाइम टेकन। आ जाओ, ध्यान दो, घूर लो, मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। काफी पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला रहेगा। आओ जी, हम जानते हैं, टीचर क्या जानते हो? हम जानते हैं कि सिंस आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई तेरी जगह 12.5 एम्पीयर हमने लगाया और चार्ज की जगह 2.5 × 10³ बिठाया, टाइम तेरी जगह कुछ नहीं आया। चल भाई इधर आ जा, 2.5 × 10³ डिवाइड बाय 12.5, तो मेरे पास आ गया आपका 25 × 10³ डिवाइड बाय 125, क्योंकि इसका एक डेसिमल और इसका एक डेसिमल कटेगा, तो 25 बन जा 25 × 1/5 × 1/5 × 200 तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने टाइम निकाल लिया है, द टाइम कम्स आउट टू बी 200 सेकेंड्स। The time comes out to be 200 seconds. कितने क्वेश्चन हो गए? तीन क्वेश्चन हो गए। आओ जी, अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। अभी तो सिंपल क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लेकिन इससे आपका बेस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि what is the resistance of a arc lamp when it uses a current of 25 ampere while working at 440 volt। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस, छोटा क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैंप, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैंप व्हेन इट यूजेस अ करंट ऑफ 25 एम्पीयर ऑन अ वोल्टेज ऑफ 440 वोल्ट। वो गाना सुना आपने सलमान खान की पिक्चर सुल्तान का, लगे तुझे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगता झटका 440 वोल्ट छूने से तेरे। नहीं सुना, जाके सुनो भाई। आइए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैंप, 440 वोल्ट छूने से तेरे लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से 25 एम्पीयर ऑन अ वोल्टेज ऑफ 440 वोल्ट। सॉल्यूशन देखो जी, हम जानते हैं According to Ohm's law, V is equal to IR. V कितना? 440 volt. I कितना? 25 ampere. R कितना? हमें नहीं पता. Therefore,
Therefore, V is equal to IR में हमें R निकालना है, तो 440 बटा 25 is equal to R. 5 जा 5 into 40, 4 बचा 88 जा 40, R is equal to 88 बटा 5 को सॉल्व करना है, 5 बन जा 5, 38, 7 जा 35, 3 बच गया, डेसिमल लगाया, 6 को पाया, बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट आया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 17.6 हमने बदले में पाया. देख लो, घूर लो, मन में कोई सवाल आ गया, क्वेश्चन आपको समझ. इस क्वेश्चन के अंदर भी ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा है छुप रहा, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा है छुप रहा, इसलिए पता चल जाता है कि छुप रहा है, क्योंकि स्क्रीन को मैं एनालाइज करता रहता हूं, कभी कभी ऊपर चला जाता है. क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर प्लांट व्हेन इट यूजेस अ करंट ऑफ 25 एम्पीयर ऑन अ वोल्टेज ऑफ 440. यानी ये गिवन था और ये गिवन था, हमें आर निकालना था. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम, अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम कनेक्टेड टू 200 वोल्ट मेन सप्लाई. लिखना चाहो बच्चों लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम का बल्ब इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट की सप्लाई. अ बल्ब ऑफ 400 ओम मैं लिख देता हूं ताकि आपको आ जाए मेरी बात समझ, ताकि क्वेश्चन क्लियर. आइए यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आया अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पे क्वेश्चन आ गया अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज कनेक्टेड, अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट की मेन सप्लाई, 200 वोल्ट की मेन सप्लाई. क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट, क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट. अरे भाई क्या, क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट, अरे भाई तो क्या, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, फ्लोइंग थ्रू द बल्ब. देख लो, घूर लो, मन में कोई सवाल मचा दो आ धप्पू रबवा. देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है और हमारे पास वोल्टेज गिवन है, हमें करंट निकालना है. वापस से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वापस से क्वेश्चन आया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर, V हमारे पास कितना 200 V, I कितना नहीं पता, R कितना 400 ओम. तो टीचर देखो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि 200 बटा 400 इज इक्वल टू I. कैंसिल 2 बन जा 2 जा, I हमको मिल गया, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पीयर. पता है अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे हैं तो इसके पीछे दो वजह है. पहली वजह कि क्वेश्चन आसान है और दूसरी वजह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने का ही फायदा उठा रहा हूं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका भी ताजा ताजा क्लियर हुआ है तो ताजा ताजा क्वेश्चन बेसिक ही हो तो ज्यादा अच्छा है. धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, मुश्किल को सामने लेकर आएंगे, तब जाके आपको मजबूत बनाएंगे. तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के काम आएगा जो क्लास 10th में कदम रख रहे हैं. सेशन चल रहा है 2020 का, 2020 के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये मार्च के महीने में कोरोना की छुट्टियों के चलते ये वीडियो है बनाया, क्योंकि क्लास में ये टॉपिक को मैंने अभी तक है नहीं पढ़ाया, इसलिए जो घर बैठे हैं बच्चे घर उनको ये फायदा है पहुंचाया. आई होप मेरी बातों के द्वारा आपको ये कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल जो बोर्ड पे है कराया वो समझ आया. गुड, शेयर कर देना भाई दोस्तों के साथ. बहुत सारे बच्चे हैं बेचारे ऐसे घर में हैं बैठे जिनके टीचर या कोई और सुविधा उनको नहीं मिल पा रही, उनको पहुंचाओ फायदा. सिंपल सी बात है, मत फैलाओ उनकी जिंदगी का रायता. देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हम मिटा देते. अगर आपको है ये समझ आ गया ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है. हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है. अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. ये देखो, लिख लेना बच्चों, कॉपी पर लेके बैठे तो क्वेश्चन लिखो और खुद से सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना. अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग कॉमा 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर, 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर. Has a resistance of 20 ohm. Calculate the resistivity
कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। देख लो, घूर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। पहले देखो, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन करें। अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। पहले चेक करो डाटा में गिवन क्या है। देखो बच्चों, क्या गिवन क्या है भाई। गिवन हमारे पास है लेंथ कितनी, 1 मीटर। गिवन हमारे पास है डायमीटर कितना, 0.2 मिलीमीटर, यानी 0.2 × 10^2 मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, -3 करेंगे। बिल्कुल सही, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 होता है, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 2 होता है, तो टोटल -3 हो गया। और क्योंकि ये डायमीटर है तो रेडियस निकालेंगे, आधा कर देंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.1 × 10^-3, यानी 1.10 × 10^-3। साफ साफ क्यों नहीं बोलते सर 10^-4 मीटर इज द रेडियस। बिल्कुल सही मेरे बच्चों, 10^-4 मीटर इज द रेडियस। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दे रखा है, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दे रखा है 20 ओम का। हमें पता लगानी है रेजिस्टिविटी, तो हम इस्तेमाल करेंगे ओम्स लॉ का। मैं लिख रहा हूं यूजिंग ओम्स लॉ, अरे नहीं रे ओम्स लॉ नहीं, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए इस्तेमाल करेंगे, तो रेजिस्टेंस हमारे पास है कितना 20 ओम। उसको बाद में पुट करते हैं, पहले फॉर्मूला लगाते हैं। रो हमें नहीं पता, एल हमारे पास कितनी है 1 मीटर, एरिया पाई आर स्क्वायर। एक बच्चा बोला ए सर्कल थोड़ी है जो पाई आर स्क्वायर लगा रहे हो। यार बच्चों, ये जो वायर होती है ना, इस वायर का हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब आपने खीरा देखा होगा, खीरा खीरा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, लेकिन जब काटते हो तो क्या आकार मिलता है, गोल मिलता है, क्योंकि आप उसको ऐसे काटते हो। तो अलग अलग चीजें होती हैं जिनके आकार अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उनको काट के कोई आकार मिलता है तो उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो खीरा सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन जब उसे ऐसे काटते हो उसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो वायर होती है इलेक्ट्रिकल वायर, उसका भी जो एरिया होता है उसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो क्योंकि गोल होता है तो ऑब्वियस सी बात है गोल का एरिया आप सब जानते हो कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने आर को बिठा दिया यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी 20, तो 20 इज इक्वल टू रो इंटू 1 डिवाइड बाय पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। रेडियस कितना 10^-4, तो 10^-4 का स्क्वायर। आओ जी सॉल्व करो, ये जगह पे सॉल्व करूंगा, ये देखो इस जगह पे सॉल्व करूंगा, तो हमारे पास आ गया 20 × 22/7 और × 10^-8 इज इक्वल टू रो। देखो भाई, क्योंकि 1 तो बनी है, ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, तो मेरे पास आ गया 22 × 2 कितना हो गया 44, 440। वापस से गाना बजाओ जी, लगे भाई 440 वोल्ट का झटका छूने से तेरे सुल्तान का चला गाना है, बजा देंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। 22 × 2 कितना हो गया भाई 44, 440 डिवाइड बाय 7 इंटू 10^-8 इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। अब देखो 7 × 7 = 42, 44 में से 42 गए 2 बच गए, 20 लगाया, 7 × 2 = 14 पाया, 6 को बचाया, डेसिमल लगाया, 8 × 7 = 56 होता है, तो 62.8 × 10^-8 ओम मीटर इज इक्वल टू रो। अगर जाने जाने में कोई गलती हो जाए बच्चों तो भूल चूक माफ कर देना, एक बार देख लेना, मैंने कैलकुलेशन करी है थोड़ी फास्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं। यानी पिछले आधे घंटे से हम लोग जो कर रहे हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। V is equal to IR, ओम्स लॉ यूज कर लिया, I is equal to Q by T भी यूज कर लिया, R is equal to rho L by A का ये पहला न्यूमेरिकल था, और बनते हैं थोड़ा आओ करते समझ आ गया। चलो जी इसे हम मिटाते, देखते हैं कि क्या है हमारे पास और क्वेश्चन, और फिर हमारा इस वीडियो लेक्चर का खात्मा हो जाएगा। जी हाँ, ये है वीडियो लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी का। वीडियो लेक्चर नंबर 4 लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल बताऊंगा, फिर उसके भी न्यूमेरिकल करके दिखलाऊंगा। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की ओर। एक मेरे पास क्वेश्चन और मुझे मिल रहा है, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फॉर द चार्ज ऑफ चार कूलम।
यानी चार कूलम के चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे भाई। हाउ मेनी का मतलब होता है गिनती, हाउ मेनी का मतलब होता है गिनती, मतलब कितना। और सुना होगा ना आपने कितने आदमी थे, सरकार गब्बर से गब्बर ने पूछा था, ठीक है। फॉर अ चार्ज ऑफ चार कूलम, तो यहां पे चार दे रखा है क्यू, हमारे पास चार कूलम, हमें फॉर्मूला पता है कि q इज इक्वल टू एन ए होता है, q की जगह चार कूलम बिठाया, n तेरे बारे में है नहीं पता, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, n निकालना है, चार के नीचे 1.6 × 10⁻¹⁹ इज इक्वल टू n, डेसिमल हटाया, 40 को लगाया, 16 को बिठाया, 10⁻¹⁹ पाया इज इक्वल टू n, ए भाई साहब ऊपर जाओ ना, तो 40 × 10⁻²० डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू n, 4 × 10 = 10 × 10⁻²० ये 19 ऊपर गया, 90 ऊपर गया, तो 20 कैसे बना था एक बार देखे जरा, मैंने इसको 20 कैसे बनाया था, 1.6 का डेसिमल जो है वो ऊपर चला गया था, बिल्कुल सही, हाँ 20 आ गया, तो हमारे पास 10 आ चुका है और मल्टीप्लाइड बाय 10 का हुआ 20 आ चुका है और यहाँ पे 4 आ चुका है, तो एक काम करते हैं यहाँ से 100 निकाल दे, 100 आ गया, 10 का पावर 19 आ गया, डिवाइड बाय 4 आ गया, 425 जा, तो साफ साफ शब्दों में कहूँ n comes out to be 25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स भाई, देख लो लाख है, करोड़ है, अरब है या बिलियन है या मिलियन है, वो देखना आपका काम है, देख लो आपको समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ चल क्या रहा है। प्यारा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है, आओ करें इसका खात्मा, बढ़े हमारे अगले न्यूमेरिकल की ओर। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखिए हमारा अगला न्यूमेरिकल, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेजिस्टर, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन आप सुनेंगे, अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेजिस्टर एंड 2.5 मिली एम्पीयर करंट फ्लोज इन द सर्किट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। अब 12 वोल्ट बैटरी, ये देखो जी क्वेश्चन आ रहा है, a 12 volt battery, a 12 volt battery is connected across, a 12 volt battery is connected across, a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, resistor समझते हैं सब लोग, resistor वो जो रुकावट पैदा करता है, ठीक है, unknown resistor, और 2.5 milliampere का current, 2.5 milliampere का current is flowing, 2.5 milliampere का करंट इज फ्लोइंग, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस, क्वेश्चन हमसे रेजिस्टेंस मांगा, देख लो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है वोल्टेज कितनी 12 वोल्ट, हमारे पास गिवन है करंट कितना 2.5 milliampere, और हमें क्वेश्चन ने कहा है कि आर पता लगाओ, ये देखो ये घूरो समझ में आएगा, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, V कितना 12 वोल्ट, I कितना 2.5 milliampere इंटू आर, milliampere करंट की छोटी यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है, आपको पता होना चाहिए कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर, तो 12 वोल्ट इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻³ एम्पियर इंटू आर, तो 12 के नीचे 2.5 को लगाया इंटू 10⁻³ हमने पाया, 12 इंटू 10⁻³ नीचे 2.5 को लगाया, बदले में हमने इसका डेसिमल ऊपर पहुंचाया, नीचे हमने 25 पाया, देख लो एक बार, देखो 12 के नीचे 2.5 का इसका डेसिमल ऊपर जाएगा तो 120 बन गया, ये 10 का पावर कितनी जगह 25, अब देखो 5 जा और 5 20 5 2 10 और 20 24 जा, तो आ गया 24 × 10³ डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आर, तो 24 × 1 2 3 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आर, 5 बन जा 5 200 जा, तो हमारे पास आ गया R comes out to be 24 × 48, तो 4800 ओम का है आंसर, देख लो किसी बच्चे को कोई डाउट का है आंसर, एक बार आपको समझ आना चाहिए कि 4800 ओम यहां पे आंसर है, आई होप आपको समझ आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब मैं आपको इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रहा हूं, अब आपको मैं इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रहा हूं जो मैं चाहूंगा कि आप होमवर्क के रूप में करें, मैं चाहूंगा कि आप होमवर्क के रूप में करें, यानी अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो
अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो मेरी आपको है सजेशन कि आप मेरे द्वारा डिक्टेट किए जाने वाले क्वेश्चंस लिख लो। बोर्ड पे लिखूंगा तो शायद लिखने में ज्यादा समय जाएगा, लेकिन अगर बोलूंगा तो बोलकर ज्यादा क्वेश्चंस डिक्टेट करा पाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन फटाफट से लिखो, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो। मैं हर क्वेश्चन दो बार रिपीट करूंगा। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.2 एम्पीयर, when the current flowing through it is 0.2 ampere and the potential difference is 0.8 volt and the potential difference is 0.8 volt. Students, दोहरा रहा हूं, सुन लो। Calculate the resistance of a conductor when the current flowing through it is 0.2 ampere and the potential difference is 0.8 volt. ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोले जा रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। When a 22 volt battery is connected across a resistor, when a 22 volt battery is connected across a resistor, when a 22 volt battery is connected across a resistor, when a 22 volt battery is connected across a resistor, 2.2 milliampere, 2.2 milliampere current flows in the circuit, 2.2 milliampere current flows in the circuit, find the resistance of a resistor, find the resistance of a resistor. दोहरा रहा हूं, सुनो। When a 22 volt battery is connected across a resistor, 2.2 milliampere current flows in the circuit, find the resistance of a resistor. इस क्वेश्चन को करके रखिएगा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। आइए तीसरा क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन करके रखिएगा। Aluminium wire has a radius of 0.25 millimeter. Aluminium wire has a radius of 0.25 millimeter and length of 75 meter. Aluminium wire has a radius of 0.25 millimeter and length of 75 meter. If the resistance of a wire is 10 ohm, calculate the resistivity of the aluminium. दोबारा बोल रहा हूं, सुनो। Aluminium wire has a resistance of 0.25 millimeter and length of 75 meter. If the resistance of the wire is 10 ohm, calculate the resistivity of the aluminium. तीसरा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से ये। आइए, कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने टोटल? तीन बता दिए। आओगी, चौथा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। An electric iron draws a current of 0.5 ampere. An electric iron draws a current of 0.5 ampere when the voltage is 200. An electric iron draws a current of 0.5 ampere when the voltage is 200. Calculate the amount of electric charge flowing through it in 1 hour. Calculate the amount of electric charge flowing through it in 1 hour. Repeat karo, suno. An electric iron draws a current of 0.5 ampere when the voltage is 200 volt. Calculate the amount of electric charge flowing through it in 1 hour. एक घंटे में कितना charge flow करेगा? ये पता लगाएं। अगला question, बहुत प्यारा question है। A wire of resistance 4 ohm, a wire of resistance 4 ohm is doubled on itself. A wire of resistance 4 ohm is doubled on itself. Calculate the new resistance of the wire. A wire of resistance 4 ohm is doubled on itself. Calculate the new resistance of wire. A wire of resistance 4 ohm is doubled on itself. Calculate the new resistance of wire. अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन, How much current will an electric bulb draw? How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source? How much electric current will a bulb draw from a 220 volt source if the filament has a resistance of 1200 ohm? How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the filament, bulb ke andar filament hota hai aapne dekha hoga, if the resistance of the filament is 1200 ohm, काफी है मेरे ख्याल से, 5-6 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, एक क्वेश्चन मैंने ये दे दिया दो, और एक आपको मैंने और दिया था अभी तीन, बिल्कुल सही, तीन ये हो गए। और क्या क्वेश्चन दिया मैंने आपको इससे पहले? एक ये दिया 4, और इससे पहले दिया 5, और इससे पहले दिया 6, मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन हो गए। ये 6 क्वेश्चंस आपका होगा क्या बच्चों? आप करिए इन्हें, और हो सकता है कि आप इन्हें सॉल्व कर पाए, हो सकता है आप इन्हें सॉल्व ना कर पाए, लेकिन आप रहे बेफिक्र। मैं इसके बाद जो वीडियो लेक्चर नंबर 4 लेकर आऊंगा, बहुत जल्द, डरो ना। तो क्या हुआ अगर आया कोरोना, आप तब तक ये होमवर्क करो ना,
क्या करना है कोरोना से डर के, होमवर्क अब पूरा करके आपको मैं अगले वीडियो लेक्चर में जो नया टॉपिक पढ़ाऊंगा यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, उसको पढ़ाने से पहले इनके क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करके बतलाऊंगा। जो भी मन में डाउट आएगा वो पहले क्लियर करूंगा, फिर आगे मैं पढ़ूंगा। तब तक तुम घर पे पढ़ो ना, तो क्या हुआ आ गया कोरोना, उससे तुम डरोगा। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर अगर आपको समझ आया तो कृपया करके अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर गलती से आप में से किसी बच्चे ने ये वीडियो लेक्चर आज पहली बार देखा है कोई बात नहीं, देख लिया तो देख लिया। पहला वीडियो लेक्चर और दूसरा वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, पहले वो देखने थे उसके बाद ये देखना था, अगर वो देखे हुए थे तो ये देख सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। तीन वीडियो लेक्चर आ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत जल्द लौट के आऊंगा चौथे वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू वंस अगेन, कीप स्टडिंग, डू नॉट वेस्ट योर टाइम।